कॉलेज की यादें ताज़ा हो रही हैं और हम लोग सब बात मज़े उड़ा रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। और मैं सबको बताती हूँ कि विभू एक गाना था जो उसने गाया था कॉलेज एनुअल फंक्शन में, चेहरा क्या देखते हो मुझे देख देख कर, और मैं उस पर बड़ी फिदा हो गई थी। और फिर मैंने भी गाया था और वही हम सीन दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अचानक गाना गाते गाते विभू गायब हो जाता है रूम से, फिर मैंने बाहर देखती हूँ तो फिर विभू आ जाता है। लेकिन जब मैं गाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे चेंज ऑफ बिहेवियर लगता है कि वो क्यों मेरा हाथ झटक रहा है और वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है जैसे विभू यूजुअली रोमांटिक तरीके से मुझसे बिहेव करता है, और तुतला के बोल रहा है। तो ये बड़ा एक मुझे कन्फ्यूजन और सस्पिशन हो गया कि विभू कभी नहीं तुतलाता था, अब क्यों तुतला रहा है। और बाद में कुछ सीन्स ऐसे आएंगे जिसमें कि विभू कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर अपनी बहन जैसी फीलिंग्स आती हैं, तो मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ। और तिवारी जी इस बात के बड़े मज़े ले रहे हैं कि उनको लगता है कि भैया नल्ला तो वैसे भी आपके लायक नहीं था, अच्छा इसे आपको बहन ही मान लेना चाहिए, जिसके चलते मैं तिवारी जी की 2-3 बार डांट लगा रही हूँ। अब क्या ट्विस्ट और टर्न्स होंगे ये तो फिर आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअली विभू इज़ किडनैप्ड। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि होता क्या है असली विभू का, और कैसे हम विभू को लेकर आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं, और ये स्टोरी हमारी देखिए।